जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों आज है सैटरडे और सैटरडे को लाता हूं मैं स्पेशल ओटीटी अपडेट वीडियो, जहां पर जो भी नई ओटीटी अपडेट्स मेरे पास आई होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में वही करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को पूरा सुन लेना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। और दोस्तों अगले एक वीक में मेरे वीडियोस थोड़े से कम आएंगे, क्योंकि मैं सिंगापुर ट्रैवल कर रहा हूं एक बिजनेस विजिट पे, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा जो है रूटीन थोड़ा सा टूटेगा। लेकिन जैसे ही मैं वापस आ जाता हूं, जो होगा एंड ऑफ 15 अप्रैल जब मैं वापस आऊंगा, उसके बाद से आपको मेरे वीडियो रेगुलरली मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू, और सबसे पहले बात कर लेते हैं जोरम मूवी की, जिसकी लीड में मनोज वाजपेयी। मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे रिलीज थी अब तक, और काफी सारे लोग इसको चाह रहे थे पूछना कि ये कब आखिर फ्री में रिलीज होगी। और यहां पर जोरम का एक सरप्राइज रिलीज एक्चुअली हो चुका है यूट्यूब पर। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे अगर आप जी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां आपको जोरम मूवी इस टाइम पे स्ट्रीम करते हुए मिल जाएगी बिल्कुल फ्री सभी यूजर्स के लिए। सिर्फ यूट्यूब पर जाकर आपने जोरम मूवी को देख लेना है। ये जी म्यूजिक इंडिया जो है इसके यूट्यूब चैनल पे इस टाइम पे स्ट्रीम कर रही है, वहां आपको ये मूवी अब देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ताजा खबर सीरीज जो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, और उसके बाद से काफी सारे लोगों ने जिन्होंने इस सीरीज का सीजन 1 देखा था उन्हें इसके सीजन 2 का इंतजार था। तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने अब एक अनाउंसमेंट कर दी है कि ताजा खबर सीरीज के सीजन 2 को बहुत ही जल्द रिलीज किया जाने वाला है। और अगर बात करूं कि इसे कब रिलीज किया जाएगा, तो ताजा खबर का सीजन 2 दोस्तों आपको मई के मंथ में देखने को मिल सकता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई, और ये डिस्नी हॉटस्टार पे दोस्तों आपके लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। अगर आपने इसके सीजन 1 को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, ये काफी डिसेंट सीरीज है। इसके अलावा दोस्तों पंजाबी फिल्म ब्लैकिया, इस मूवी के लिए अब चौपाल टीवी ने एक अनाउंसमेंट कर दी है, जहां पर ब्लैकिया मूवी को उन्होंने कमिंग सून सेक्शन में लिस्ट कर दिया है। और ये एक पंजाबी मूवी है जो कि एक एक्शन बेस्ड मूवी है, और ब्लैकिया का जो पहला पार्ट है वो भी रिलीज किया गया था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था, और अब ब्लैकिया 2 सिनेमाज में रिलीज हुई है जो अब चौपाल टीवी के ऐप पे बहुत जल्द आने वाली है। चौपाल टीवी ने इसे लिस्ट कर दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों गामी जो कि एक साउथ इंडियन मूवी है, एक तेलुगु मूवी है, इसके लिए आप में से काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते थे, स्पेसिफिकली एक भाई तो ऐसे हैं जो रोज ही पूछते थे कि गामी मूवी कब रिलीज होगी। तो मैं आपको बता दूं कि गामी मूवी का रिलीज कंफर्म कर दिया है Z5 ने, और इसे जो रिलीज किया जा रहा है वो किया जा रहा है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को Z5 पर गामी मूवी रिलीज होने जा रही है। लेकिन जो भी अपडेट है मेरे पास वो ये है कि ये सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, फिलहाल हिंदी में शायद इसे रिलीज नहीं किया जाएगा। तो ये हिंदी में रिलीज होगी या नहीं ये तो टाइम बताएगा, लेकिन फिलहाल ये लिस्ट हो गई है Z5 पे और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में डेफिनेटली कन्फर्म हो चुकी है। इसके साथ साथ दोस्तों प्रिमालू मूवी जो कि साउथ इंडिया में काफी सुपर हिट रही थी, इसकी अनाउंसमेंट भी निकल कर आ चुकी है, क्योंकि ये मूवी रिलीज होने जा रही है अब 12 अप्रैल को, और इसे रिलीज किया जाएगा दोस्तों डिस्नी हॉटस्टार पे। और प्रिमालू मूवी के लिए अभी तक जो इसका पोस्टर है वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस बता रहा है, लेकिन किन सोर्सेज से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये हिंदी में भी रिलीज होगी, इसके ऐसे काफी हाई चांसेस हैं। तो प्रिमालू मूवी का अगर आपको इंतजार था तो अगले हफ्ते आपका ये इंतजार भी खत्म हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों मड़गांव एक्सप्रेस मूवी जो कि सिनेमाज में रिलीज हुई है, और वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी का बहुत अच्छा है, जिस वजह से इसका बिजनेस अभी भी अच्छा जा रहा है। और सिंस अब इसके रिव्यूज आउट हो चुके हैं तो लोगों को इंतजार है मड़गांव एक्सप्रेस मूवी का, और मेरे से काफी सारे मैसेजेस आते हैं कि इसे कब रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो है अमेजॉन प्राइम, और अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों इस मूवी को 3 मई 3rd of May से रिलीज कर दिया जाएगा रेंटल बेसिस पे, और 17-18 मई के आसपास इसे सभी यूजर्स के लिए फ्री रिलीज कर दिया जाएगा। तो मड़गांव एक्सप्रेस मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो 3 या 4 मई के आसपास ही आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों शैतान मूवी की भी अब तक ऑलमोस्ट कंफर्मेशन आ चुकी है, क्योंकि काफी सारे मीडिया हाउसेस ने शैतान को कंफर्म कर दिया है। शैतान मूवी दोस्तों अब आपको देखने को मिलने वाली है 3 मई को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे, यानी कि 2 मई के जैसे ही रात 12 बजेंगे और 3 मई चालू होगा, शैतान मूवी आपको नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। मूवी सिनेमाज में अपना बिजनेस पूरा करके अब हट चुकी है, किसी किसी सिनेमा में ही चल रही है, जो अगले 2-3 हफ्ते में हट जाएगी, और उसके बाद नेटफ्लिक्स पे इसे 3 मई को रिलीज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों योद्धा मूवी के लिए आप लोगों के मैसेज आने चालू हो चुके हैं, क्योंकि मूवी सिनेमाज में रिलीज हुआ थोड़ा सा टाइम हो चुका है, तो इसके भी ओटीटी का इंतजार हो रहा है। और सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस मूवी के एक्शन के लिए इसे काफी ज्यादा जो है अच्छे रिव्यूज मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि योद्धा मूवी आपको दोस्तों 26 अप्रैल इसी महीने की 26 अप्रैल को रेंटल बेसिस पे अवेलेबल हो जाएगी अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पे, और जहां इसे रेंटल पे 26 अप्रैल के आसपास रिलीज किया जाएगा, 10 या 11 मई को इसे सभी यूजर्स के लिए फ्री में भी रिलीज कर दिया जाएगा। मूवी आपको देखने को मिलेगी प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा दोस्तों आप में से काफी सारे लोग द गोट लाइफ के लिए मुझे काफी मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि मूवी जो है वो ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है, और पृथ्वीराज सुकुमारन इस मूवी में आपको देखने को मिलते हैं लीड में। और जब से दोस्तों इसको रिलीज किया गया तभी से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस मूवी को जो है कब ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि द गोट लाइफ के जो ओटीटी राइट्स हैं वो डिस्नी प्लस हॉटस्टार के पास हैं,
और डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे जो इसका रिलीज होगा दोस्तों वो जाके होगा जून के मंथ में, जून के फर्स्ट वीक में या मई के एंड में आपको ये मूवी देखने को मिलेगी जिसका नाम है द गोट लाइफ। और द गोट लाइफ डिस्नी हॉटस्टार पे जब रिलीज होगी चांसेस यही है कि इसे हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक क्विक अपडेट थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर ली है। ऐसे ही एक वीडियो आपको कल भी लाकर दूंगा जहां पर नई ओटीटी अपडेट संडे की कवर कर लूंगा। और फिर से आपको याद दिला दूं मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ, सिंगापुर जा रहा हूँ, एक हफ्ते तक मेरे वीडियोस थोड़े से कम होंगे तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, लेकिन जब भी कोई नई ओटीटी अपडेट आएगी अपने होटल रूम से ही आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये था मेरा क्विक वीडियो। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।